माफ कीजिएगा सेठ साहब, आपकी बच्ची का इलाज मेरे पास तो नहीं। अगर आप भी इस तरह मायूस हो गए तो। हमारी एक ही बच्ची है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जितनी दौलत चाहे ले लीजिए, मगर हम अपनी बच्ची को इस तरह आंसू बहाती हुई और नहीं देख सकते। उसे पहले की तरह हंसती खेलती, जिंदगी से प्यार करने वाली प्रीति बना दीजिए। सेठ साहब, साइंस एक बुझी आंख को रोशनी, एक खामोश दिल को धड़कन तो दे सकती है, लेकिन ममता का जख्म नहीं भर सकती। उसका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं कि उसका बच्चा मर चुका है। आप उसे प्यार से समझाइए। होश में आओ प्रीति, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। नहीं नहीं, यही मेरा बच्चा है, यही मेरा बच्चा है। तुम इसे मार डालोगे, तुम इसे मार डालोगे। मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। तुम्हारा बच्चा मर चुका है प्रीति, मर चुका है। नहीं नहीं, यही मेरा बच्चा है, मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो, मुझे मेरा बच्चा वापस। जिसे तुम अपना बच्चा समझते हो वो सिर्फ बेजान खिलौना है। लो इसे देखो, और जब तक ये खिलौना तुम्हारे पास है ना तुम्हें जीने देगा ना हमें जीने देगा। नहीं, मुझे मेरा बच्चा वापस। छोड़ दो प्रीति, छोड़ दो, छोड़ दो। मेरा बच्चा, ओ मेरा बच्चा। प्रीति बेटी, इस तस्वीर से प्रीति में एक नया रिएक्शन हुआ है। एक अरसे के बाद वो आज खुलकर रोई है। ये तस्वीर कहां ली गई थी? मेरे ख्याल से प्रीति जब शिमला गई थी तब की ये फोटो है। अगर प्रीति को दोबारा उसी माहौल में ले जाया जाए तो मुमकिन है उसका ख्याल दूसरी तरफ मुड़ जाए और उसके दिमाग का ये ऑब्सेशन भी धीरे धीरे खत्म हो जाए। प्रीति बेटी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। प्रीति, तुझे चोट तो नहीं आई? तुझे चोट तो नहीं आई? हाँ